आप लोगों ने कभी सोचा है कि आईएएस कौन बनता है, क्यों बनता है, किसको जरूरत पड़ती है कलेक्टर बनने की, कौन सी वजह है जो किसी कैंडिडेट को आईएएस बनने को प्रेरित करती हैं? आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं लेकिन शायद ही उपर्युक्त प्रश्नों पर कभी गंभीरतापूर्वक विचार किया हो। आप में से अधिकांश शायद ही अधूरी जानकारी के साथ कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही ढेर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर को यही नहीं पता होता है कि वे कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, खुद बनना चाहते हैं या किसी और के लिए बनना चाहते हैं, या कि किसी विषम परिस्थिति से उबरने के लिए बनना चाहते हैं। यही कारण है कि उनके भीतर की ऊर्जा कुछ बेहतर करने के लिए अंदर से उबाल नहीं मारती, उनमें कोई ऐसी प्रेरणा पैदा ही नहीं होती जो कहे कि इस बार छोड़ना नहीं है, सफलता हासिल करके दम लेना है। आपने कभी गौर किया है कि क्या आपके इर्द गिर्द सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाला कोई लड़का या लड़की बहुत अमीर परिवार से है, जैसे कि उसके घर में रोल्स रॉयस कार हो या महल नुमा बंगला हो, या पिताजी भारत सरकार या राज्य सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर हो, या पुराने राजे रजवाड़ों के खानदान या फिल्मी स्टार या स्पोर्ट्स स्टार हो, अथवा पिताजी कैबिनेट सचिव हो, या किसी राज्य के गवर्नर हो, अथवा टाटा बिरला अंबानी के खानदान से हो। शायद कोई भी लड़का या लड़की इन परिवारों से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जरूरत की हर चीज मौजूद है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग न्याय पाने के लिए अदालत के चौखट पर नाक रगड़ते हैं फिर भी मुकदमा हार जाते हैं, और अमीर लोग वकील और जज को ही खरीद लेते हैं। पुलिस मध्यम वर्गीय परिवारों तथा गरीबों को परेशान करती है और अमीर लोगों के आगे पुलिस का बड़ा अफसर भी दुम हिलाता है। ये लोग जो सम्मान और अवार्ड चाहे खरीद सकते हैं, इनके पास पावर की कमी नहीं होती। मीडिया के लोग इनकी हर खबर छापने के लिए हाजिर हैं, जबकि आम आदमी रो रो कर दौड़ भाग कर थक जाता है, कहीं सुनवाई नहीं होती है। ऐसे दमदार घरों के बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी में वक्त क्यों बर्बाद करेंगे? आईएएस में चयनित होने के बाद क्या मिलता है? पैसा, पावर और शोहरत, और ये तीनों चीजें उनके पास पहले से ही मौजूद है, बल्कि ज्यादा ही है, कम नहीं है। फिर इन परिवारों के बच्चे आईएएस की तैयारी क्यों करेंगे? आईएएस की तैयारी करते हैं गरीबों और मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे, जो समाज में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मोहल्ले या गांव के लोगों में अपनी भी पहचान हो, लोग हमसे भी इज्जत से बात करें, या फिर किसी विवाद में उलझे होने के कारण न्याय चाहते हैं, या गरीबी के दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, अच्छे घर परिवार में संबंध बनाने की इच्छुक हैं, या फिर किसी कारणवश जो सपना पेरेंट्स नहीं पूरा कर सके वह बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। कुछ बच्चे देश सेवा के लिए या समाज को बदलने के लिए भी सिविल सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कम ही है। हमने देखा है कि ज्यादातर कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद शादी में करोड़ों रुपए और गाड़ी, फ्लैट इत्यादि की डिमांड करते हैं। कुछ अफसर होते हैं जो सादगीपूर्ण तरीके से रिश्ते में बंधते हैं, तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आप चाहे जिस शहर में रहकर तैयारी कर रहे हों, हॉस्टल में या लॉज में रहते हों, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हों अथवा सेल्फ स्टडी करते हों, लड़के हों अथवा लड़की हों, आप लोग भी किसी सामान्य परिवार से संबंधित हैं। यदि दंगल फिल्म की भाषा में बात करें तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। आप लोग सौभाग्यशाली है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने पर आपके घर परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं, वरना करोड़ों प्रतिभाशाली किंतु विषम हालातों के कारण चाहकर भी ये नहीं कर पाते। इसलिए अपनी मंजिल को भूलना नहीं है। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कष्ट झेला है, उन्हें निराश मत करना, उनकी सारी जमा पूंजी आपके ऊपर ही लगी हुई है, इसे मौज मस्ती करने में बर्बाद मत करना।